नमस्ते और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का वीडियो सिर्फ नवरात्रि स्पेशल है, जहां मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से अपने लुक्स को क्रिएट कर सकते हैं, अनारकली में, बंगाली स्टाइल साड़ी में, या फिर किसी भी तरह के स्प्लिट कुर्ती में, लहंगे में। तो एक छोटी सी वीडियो है और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें मोटिवेट करें, लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें वीडियो को, और आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ अपने नवरात्रि को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाएं। इस वीडियो को शेयर करने से स्पेशल इसलिए हो सकता है क्योंकि वो लोग भी कुछ नए लुक्स अपने वार्डरोब से क्रिएट कर सकते हैं और उनकी भी नवरात्रि थोड़ी और स्पेशल हो सकती है और वो लोग खुशी खुशी अपने सारे लुक्स को एंजॉय कर सकेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी और स्टार्ट कर लेती हूँ अपनी वीडियो को। आप मेरे सारे लुक्स को देखिए जो मैंने क्रिएट किया है। एक्चुअली ये सिर्फ मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत हेल्प की है, तो स्पेशल थैंक्स टू देम। तो चलिए देखिए मेरे फर्स्ट लुक को। तो देखा कितना सिंपल बट कितना एलिगेंट लुक है। इसमें आप को कोई भी अपने वार्डरोब से कोई भी एक अच्छी कलर की अनारकली, कोई भी जो भी आपको पसंद है, लाइट वर्क की जरी वर्क हो या किसी भी तरह की लाइट वर्क वाली कुर्ती हो, अनारकली ड्रेस हो, उसे आप पहनिए। उसके साथ आपको इयररिंग डालने हैं और देखा है ना आपको, आपने जिस चीज़ की वजह से ये ड्रेस एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट हो रहा है वो है बड़ा सा मांग टीका। तो मांग टीका आजकल बहुत ही फैशन में है और बहुत टाइम से ये फैशन में है और ये फैशन जाएगा भी नहीं, ये हमारा ट्रेडिशन है और हम बहुत पसंद करते हैं इस चीज़ को। तो आप नवरात्रि के दिन या किसी गरबे पार्टी में जा रहे हैं तो आप इस बड़े से मांग टीके को कैरी कीजिए और फिर देखिए आपका लुक कैसे निखर के आता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लुक नंबर 2 की तरफ। तो लुक नंबर 2 जो है वो एक ट्रेडिशनल बंगाली स्टाइल में पहनी हुई नॉर्मल जॉर्जेट की साड़ी है जो रेड कलर की है, बहुत ही हल्की, बहुत ही खूबसूरत और बहुत हल्की है, जिसे आप पहन के आराम से कोई वर्क भी कर सकते हैं, अपने दिन भर आप इसे कैरी कर सकते हैं। और आपने देखा ना इसे हल्के से मांग टीका के साथ कैरी किया गया है और बहुत ही अच्छा सा गले का एक सेट डाला गया है। अगर आपको हेवी नहीं डालना तो आप कुछ भी लाइट डैंगल, कोई भी बड़ा सा पेंडेंट डाल सकते हैं, मंगलसूत्र पहन सकते हैं। और चूड़ियाँ देखिए, लाल साड़ी, लाल चूड़ियाँ और लाल बिंदिया, तो कितनी प्यारी लग रही है ये लुक और आप सभी पे ये प्यारी लगेगी, लाल कलर तो सभी पे जचती है। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। के लिए आपको लेना है अपने वार्डरोब से कोई भी स्प्लिट कट की कुर्ती, कोई भी स्प्लिट की कुर्ती। तो कोई भी, अगर आप साइड स्प्लिट ले या साइड के साथ फ्रंट स्प्लिट है तो बहुत ही अच्छा है, या फिर सिर्फ जो मैंने पहना है वो सिर्फ फ्रंट स्प्लिट है और आप देखेंगे कि इस पर बहुत ही प्यारा निखर के आ रहा है। लेकिन अगर फ्रंट स्प्लिट के साथ साथ आपके पास साइड स्प्लिट की भी कुर्ती है तो वो भी डाल सकते हैं। कुर्ती के साथ साथ आप किसी भी कॉन्ट्रास्ट की बड़े घेर वाली प्लाजो अगर पहनेंगे तो भी आपकी लुक ऑलमोस्ट यही आएगी। अदरवाइज़ अगर
किसी भी तरह का लॉन्ग स्कर्ट्स है, बॉर्डर विथ बॉर्डर और विदाउट बॉर्डर, उसके कॉन्ट्रास्ट से मैच करता हुआ, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। दुपट्टा अगर आप कैरी करना चाहते हैं तो कैरी कीजिए, नहीं कैरी करना चाहते हैं तो नहीं कैरी कीजिए, आपकी विश के ऊपर है। और इसमें आपने देखा है कि मैंने ईयररिंग्स को बहुत कलरफुल रखा है, और इस तरह की ईयरिंग्स जनरली सारी ड्रेसेस पे जाती है, ट्रेडिशनल पे तो बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने गले में कुछ नहीं पहना है क्योंकि मेरा हाई नेक है, वो पूरा ऊपर तक है, तो गले में पहनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं चाहती या फिर आप चाहते हैं, अगर उस तरह की आपकी खुली गर्दन वाली कुर्ती है या फिर मतलब वो कॉलर वाली भी है, तो आप बड़े पेंडेंट के साथ उसे पहन सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। तो इस लुक के लिए मैंने जो हेयर स्टाइल बनाया है वो बहुत ही सिंपल है। वो उसके लिए आपको बस एक पोनी कर लेना है, हाई पोनी, एंड देन उसे, मेरे बाल लंबे हैं तो मैंने उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके पिन किया था। अगर आपके बाल छोटे भी हैं तो भी आप थोड़ी थोड़े अंदर की तरफ फोल्ड करके पिन कर देंगे तो सेम लुक ही आ जाएगा। अच्छे से पिन लगा के सिक्योर कर सकते हैं। हो गया आपका लुक तैयार। नॉर्मल मेकअप है, मेकअप ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, आप वो भी देख सकते हैं, मतलब पहले ही डाला हुआ था, तो वो आप नॉर्मली आप चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई सा भी नॉर्मल लाइट मेकअप लुक आप खुद पे के लिए जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं ना, आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, बहुत सिंपल, और इसे मैंने सिंपल इसलिए रखा है क्योंकि मुझे पता है हर चीज़ जो वीडियो में हम दिखाते हैं वो हर चीज़ प्रैक्टिकली हम यूज़ नहीं कर सकते। मैं वही दिखाने की कोशिश की है मैंने जो आपके लिए सही हो और आप जिसे ट्राई कर सकें। तो चलिए आप इसे ट्राई कीजिए और लुक्स क्रिएट कीजिए, मुझे बताइए आपको कैसा लगा। हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन।